नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जनपद के देवीधुरा में SBI ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान RCT द्वारा NRLM समूह से जुड़ी हुई गरीब और बेरोजगार महिलाओं को 21 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन शुरू किया गया है। सीनियर ट्रेनर मुन्नी बोरा और पार्वती देवी के द्वारा महिलाओं को बुनाई एवं क्रोशेट पर आधारित प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे ग्रामीण महिलाओं को अपनी आजीविका चलाने में काफी मदद मिलेगी। पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ ऊनी कपड़ों की मांग अधिक रहती है, इसलिए महिलाएं अपना बिजनेस खुद चला सकती हैं। प्रशिक्षण लेने के लिए महिलाओं में बहुत उत्साहित देखने को मिला। न्यूज 9 भारत के लिए पार्वती देवी की रिपोर्ट। आज देवीधुरा में महिलाओं के इस 21 दिवसीय क्रोशनट का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम RCT के तत्वावधान में शुरू हो रहा है। 21 दिनों तक का महिलाएं यहाँ पे क्रोशनट से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाएंगी और उसमें मास्टर ट्रेनर जो हैं पार्वती जी, उनको क्रोशिया से रिलेटेड बहुत सारे आइटम्स बनाना सिखाएंगी, जिससे वो आजीविका संवर्धन कर सकें और ट्रेनिंग के बाद जो है RCT के माध्यम से उनको हम 2 साल तक हैंड होल्डिंग भी उनका करते हैं और उसके माध्यम से जो है उनको स्वरोजगार स्थापित करने में RCT पूरा पूरा महिलाओं को सहयोग भी देती है। और RCT के माध्यम से जो है SHG की जो महिलाएं हैं और जो ग्रामीण रूरल पुअर हैं, उनको हम जो है स्वरोजगार के माध्यम से उनको उनके आजीविका के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो तमाम तरीके की ट्रेनिंग्स के माध्यम से जो है RCT से जुड़ के वो अपनी जो है तमाम अपनी ज़रूरतों को पूरा